या तो वामन मेश्राम के मुकाबले का कोई आदमी शेड्यूल कास्ट में बताओ। राम राज, राम राज, नहीं नहीं अपना दिल्ली वाला राम राज, उसको खुद शर्म आई, उसके नाम बदल दिया उदिता। राम राज शर्म आई उसको अपने नाम की खुद की, शर्म आई राम का राज लाने की, उसने खुद ही अपना शर्म आई तो उदित राज कर दिया। चलो ठीक है उदित राज मान लेते, मैं उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं। तो उदित राज का उदाहरण क्या है कि उदित राज जो है वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, शेड्यूल कास्ट का आदमी है। तो शेड्यूल कास्ट का आदमी है तो इन लोगों का बीजेपी वाले जो लोग है वो अपने प्लानिंग के तहत, अपनी योजना के तहत इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो आंदोलन कर रहे थे हमारे लोगों के हक के लिए, और हमारे बहुत सारे लोग उदित राज के नाम पर पागल हो गए थे, तब मैंने लिखित रूप से हमारे लोगों को दिया था, अरे ये एजेंट है हमारे पास अभी भी कागज। उस समय कहां था, जब वो बीजेपी में गया तो मुझे लोगों ने टेलीफोन, मिश्रम जी आपने बहुत पहले एक लेटर निकाला था, आपको पहले कैसे मालूम हो गया। मैंने कहा मैं हस्तरेखा देखता हूं, हमारे लोग गधे लोग। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं, ये 2018 से हम ये मामला खड़ा करेंगे। तो उदित राज ने खुद ही एक सर्वे किया, अपने से सर्वे किया, और सर्वे में उसको क्या बताना था, सर्वे को उसको उसने अपने से सर्वे करवाया। अपने सर्वे में क्या बताया कि टॉप 10 लीडर शेड्यूल कास्ट, पहले नंबर उदित राज, दूसरा नंबर वामन। मेरा दूसरा नंबर बताने के लिए उसने खुद ही सर्वे किया और अपना नाम पहले रखा और दूसरा मेरा रखा। अब चलो ठीक है, मैंने कहा चलो दूसरा ही मान लेते हैं, मगर अब वो बीजेपी में गया तो मैं पहला नंबर साला अपने आप ही आ गया, है ना, आ गया कि नहीं। वो गायब हो गया तो अपना ही ऊपर चढ़ गया, सीनियरिटी होती है। जैसे इंजीनियर लोगों को अधीक्षण अभियंता बनना है तो सीनियर होते ही अपने आप ऊपर चला जाता है, उसी तरह से आप मेरा पहला। इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं कि अगर ये बिल पास करना है तो हमारी सहमति लेनी पड़ेगी, हमारा ये आंदोलन होगा कि आपको हमारी सहमति लेनी पड़ेगी।